ठीक है, सरकार के अधीन आर्मी से लेकर पुलिस से लेकर और सब कुछ आता है, वो क्यों नहीं प्रोटेक्टिव करती है उसको? JNU में जैसा आप सबको पता है, JNU में जो ब्राह्मणों को और बनियों को बांटने की और हिंदुओं को बांटने की जो साजिश रची गई है, जो दीवारों पे लिखा गया है बनिए ब्राह्मण देश छोड़ो अदरवाइज देयर विल बी ब्लड। ब्राह्मण है ना, सबको साथ लेकर चलने वाला होता है ब्राह्मण, ऐसा नहीं है खून गर्म नहीं होगा, पहले देखेगा इंतजार करेगा हमारे साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ। JNU क्या पढ़ने ये पढ़ने की कॉलेज है कि या उपद्रवियों का आतंकियों का अड्डा है? JNU में हुआ है वो आप लोग सब वाकिफ हैं उससे। JNU में जिस तरीके के नारे लिखे गए हैं दीवारों पर, ब्राह्मण भारत छोड़ो, यहाँ आपको छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा, इस तरीके के नारे लिखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई भी चल रही है। उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं संसद मार्ग, आज यहाँ जंतर मंतर पर तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र वशिष्ठ। कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से आए। अच्छा, क्या कुछ हो गया है अब मसला जो JNU में जो हालात हैं अभी और जो वहाँ पर नारे लिखे गए उसके लिए आप यहाँ लोग आए हैं? जी। तो क्या हो गया? कार्रवाई उसमें कुछ नहीं हुई ना अब तक? हाँ। तो अगर इस तरीके से लिखा जाएगा किसी भी जाति विशेष के लिए तो ये लोकतंत्र का हनन है, और अगर कुछ में इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे फिर किसी के लिए ऐसा ही मौका मिलेगा, फिर वो ऐसा लिखेगा, तो किसी के भी लिए ऐसा ना लिखा जाए वो गलत है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाएं, और किसकी रणनीति है ये, कौन ये करा रहा है वो सामने आए। तो मगर कार्रवाई पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना कि कार्रवाई तो हो रही है ना, वहाँ पे छानबीन अभी चल रही है। आप मुझे बताइए, JNU प्रशासन अभी तक ये नहीं पता कर पाया कि भाई कौन लोग किसने लिखा है, लिखा तो वहीं से किसी ने है ना। JNU से कितने लोग ऐसे निकलते हैं जो भारत तोड़ो का नारा लेकर निकलते हैं, और उसमें तकलीफ उस नारे से है या JNU के प्रशासन और JNU से है? JNU प्रशासन से ये तकलीफ है कि अब तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई, किसने लिखा है, कौन है वो ऐसा करने वाले? आपने बोला कि बहुत लोग वहाँ से निकले हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी, अब मैं बताता हूँ, सेक्युलर की यूनिवर्सिटी बताई जाती है, ऐसा क्यों? मतलब भारत उसके टुकड़े टुकड़े गैंग भी बताया जाता है, तो ये गलत है ना। अगर मैं ही ऐसा टुकड़े गैंग कैसे हो गया? अरे मैडम, जो ये नारे लिख रहा है वो गलत है, चाहे मैं हूँ। नारे तो अभी लिखे है ना, वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग शुरू से बोला जा रहा है, नेहरू यूनिवर्सिटी है इसलिए बोला जाता है। अगर उसमें उसी समय कार्रवाई हो गई होती उनके खिलाफ जो लोगों ने बोला है, तो आज ये शायद ऐसा लिखा नहीं होता। तुम्हारा तो चल रही है ना मैडम, बहुत कार्रवाई तो चलती रहती है। पहले भी वहाँ पर इतना बड़ा मसला हुआ था, मारपीट की गई थी AVP गुंस के द्वारा, तो वो भी तो छानबीन हो रही थी, उसके लिए आप लोग यहाँ पर कभी एकत्रित हुए थे? छानबीन जो छात्रों के बहुत खून निकला था, मारपीट की गई थी, उसके लिए आप कभी एकत्रित हुए? छानबीन की अगर बात करें आप, 1990 से ब्राह्मण जब वहाँ से भगाए गए कश्मीर से, क्या वहाँ पूरी आवाम, पूरा प्रशासन, दिल्ली में केंद्र में बैठे लोग, क्या वो सबको नहीं पता था क्या हो रहा है? कार्रवाई कोई अब हुई अब तक? क्या हुई है? कुछ भी नहीं हुई है। सत्ता में बैठी सरकार मोदी जी के ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं है? नहीं, भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें पता लगे कि कौन लोग संलिप्त हैं जो इनसे करा रहे हैं ऐसा। हाँ। ये लोग सिर्फ आगे चेहरा है करने वाले, पीछे कौन है उन्हें वो सामने आने चाहिए। आगे चेहरा कौन है और पीछे करने वाले लोग कौन है? यस, पता पूछ रही हूं मैं। हाँ, पता लगे ना कौन है वो लोग। अगर इन पे बताया जा रहा है कि भैया ब्राह्मण लोगों में से ही कोई थे जिन्होंने, जहाँ CCTV नहीं था वहाँ पर ये जो है इसको अंजाम दिया गया। ऐसे बगैर उसके देखे कैसे कह सकते हो कि वो कोई ब्राह्मण ही थे? ऐसे बोला जा रहा है ना। देखिए अभी ये आप भी तो यहाँ पर, हाँ। ये बोला नहीं जा रहा, ये गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है कैसे? अब आप कह रहे हो मैं, पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, हर किसी को अपनी बात रखने का वो है ना। बिल्कुल, विपक्ष दोनों होते हैं। हाँ। लेकिन किसी भी जाति विशेष के लिए लिखना सबसे बड़ा गलत है, ये मानते हैं आप? जाति मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो दलित विरोधी जो नारे लगते हैं उसके खिलाफ नहीं होते आप लोग? नहीं, कौन लगाता दलित विरोधी नारे? मुस्लिम विरोधी नारे लगते हैं, और जब दलित विरोधी नारे लगते हैं, जो मुस्लिम नारे लगाता है मुस्लिम विरोधी, या जो भी कह रहे हैं कौन सा होता है दलित विरोधी, ये सिर्फ वो लोग हैं जो देश को गुमराह करते हैं, जो लोगों को बांटना चाह रहे हैं। इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर इसमें कार्रवाई होगी ना तो मैडम आगे कोई ऐसा करने का दुर्साहस नहीं करेगा। तो कितने तो दलितों के साथ आपको मालूम है, कितनी बेटियों के साथ इस तरीके के हादसे हुए हैं, बलात्कार हुआ है, आप लोग कभी एकत्रित हुए क्या? उसके लिए आवाज उठाइए। हम कहाँ उठाइए आप? नोएडा में ज्ञापन देते रहते हैं, कई बार ज्ञापन बैठ के दे रहे। मैडम एक बात आइए,
ये बड़े लेवल का काम है जो केंद्र में बैठे हुए हैं ये लोग, ये क्या कर रहे थे सबसे पहले आग बंद करके? आपको मालूम है, सबको पता है उसकी हकीकत। आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप हमसे आप जवाब पूछ रहे हैं ना, आप तो इनसे जवाब पूछो ना कि अब तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जनता सबसे बड़ी जनता जनार्दन, और उसकी बात को हमेशा से ऊपर रखा जाता है, तो आप लोग जनता है ना, तो आपसे पूछने का हक बनता है कि नहीं बनता? सबसे पहले तो हम देखिए अपने हिंदुत्व के लिए लड़े थे, हम हिंदुत्व पे अगर कोई गलत आवाज उठाएगा तो हम आवाज जरूर खड़ी करेंगे। खतरे में हिंदू, खतरे में है क्या? अभी आप देख नहीं रहे थे उसमें कि ब्राह्मण देश छोड़ो। अच्छा मुझे एक भी चीज बताइए, मैं रोक के, क्या नाम है आपका? बड़े भाई अंकित द्विवेदी नाम है मेरा, ठीक है, मैं नोएडा से आया हूँ। आप लोग नोएडा से आए? हाँ बिल्कुल, सब लोग अपना जो भी ब्राह्मण समाज, दिल्ली में हुई है, नोएडा से आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज का जो भी संगठन है ना, हाँ तो वो सब नोएडा से आया है। आप अगर कहती हैं कि जनहित में अगर कोई बात करना चाहते हैं, जनता जनार्दन अगर मुख्य प्रश्न में भूमिका रखती है तो क्या सरकार नहीं देखती है उसको? सरकार तो देख ही रही है ना। सरकार किस प्रकार, मोदी जी तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको तो पता ही है। चलिए आज ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, वैश्य समाज और स्वर्ण समाज, कोई भी समाज हो, ठीक है, एवरीथिंग, कोई भी समाज हो, उस पर क्यों भी आप पे एक्शन नहीं करती है? ठीक है, सरकार के अधीन आर्मी से लेकर पुलिस से लेकर और सब कुछ आता है, वो क्यों नहीं प्रोटेक्टिव करती है उसको? तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ एक तरफ ही न्याय हो रहा है? नहीं, एक तरफ ही जुडिशरी सिस्टम जा रहा है। मैं आपकी बात सर माने रखता हूँ कि एक तरफ न्याय हो रहा है, पर एक तरफ न्याय क्यों हो रहा है? आप मुझे बताइए, आपने पूछा एक क्वेश्चन मुझसे और सबसे पूछा ब्राह्मण समाज से कि अगर एक्शन में एक सरकार लेती है और सारी चीज़ों का प्रोटेक्टिव करती है तो सरकार एक ब्राह्मण समाज के अस्तित्व पे क्यों लूटे डुबोती है अपनी? ब्राह्मणों को तो हमेशा से इंसाफ मिलता आ रहा है। कहे हम नहीं है, आपने कहा दलित मुस्लिम को इंसाफ मिलता है, कहा कि पिछड़े लोगों को हमेशा से इंसाफ मिलता आ रहा है। नहीं, कितने केस ऐसे हुए हैं? मुझसे कहा कि ब्राह्मण समाजों को हमेशा लेना, पहले पूछ तो लो। आपने मुझे बताइए कि ब्राह्मण समाजों का, आपने कहा आपका एक वर्ड था कि ब्राह्मण समाज को हमेशा औचित न्याय मिलता आया है, क्योंकि कैसे अंकिता, अंकिता का केस हुआ था तो उसके लिए सब लोग यहां पर, हत्याकांड जो उत्तराखंड हत्याकांड में आपने पूरा समाज में जाना तो उसके लिए यहां पर पहलू पे ये कह दिया उसने, यहां पर आप ही लोग एकत्रित हुए उसके लिए, लेकिन वही दो लड़कियां एक साथ मार दी गई दलित रेप करके, आप लोग उसके लिए खड़े नहीं हुए? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं एक बात का, आप क्या मेरी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं? पहुँचेगी ना, आप यहां पहुँचेगी ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अंकिता हत्याकांड में अगर पहलू में हाई कोर्ट ने क्या संदर्भ में ब्राह्मणों के समाज में बयान दिया? अंकिता ही नहीं है और तमाम केस भी ऐसे हैं। हम कह रहे हैं कि अंकिता नहीं है, मेरी अंकिता बहन जी जैसी कई मेरी बेटियां भी हैं, कई मेरी भतीजी भी हैं, कई मेरी भांजी भी हैं, बट उसमें नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ब्राह्मण समाज में हाई कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने या मोदी सरकार ने या भाजपा सरकार ने अगर न्याय दिया हो तो आप मुझे बताइए। तभी तो मैं बता रहा हूं न्याय मिला, न्याय मिलता है हमेशा से। कभी सुना है कि, कभी सुना है आपने कि ब्राह्मण को यहाँ पीट दिया या मार दिया गया? अब सुनिए ना, कभी आपने सुना है कभी ब्राह्मण को कभी वहाँ पीट दिया गया, मार दिया गया, बेरहमी से पानी छूने पे मार दिया गया? मेघवाल को राजस्थान में जो इंद्र मेघवाल था, राजस्थान में जो इंद्र मेघवाल था पानी छूने पे मार दिया जा रहा है उसको? आप मैडम मुझे बताइए, कौन था ब्राह्मण था ना 1990 ब्राह्मण कौन था जब भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में? 1990 की बात करें, अभी आइए ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे आइए, अभी कहाँ से आए बताओ अब आप मुझे बताइए। इंद्र मेघवाल को क्यों मार दिया गया एक ब्राह्मण द्वारा पानी छूने पर? पानी छूने पे ब्राह्मण मार दिया गया, ब्राह्मण ने मार दिया। आपको पता है मामला? आपको मामला पता है? हाँ मुझे खूब मालूम है, ब्राह्मण छूने पे मतलब पानी छूने पे ब्राह्मण ने मार दिया उसको। आपने उसकी निष्पक्ष जाता में वो लड़का वही दम तोड़ गया उस पे, बिल्कुल मैंने खबर की है, क्या आया उसको? मैंने खबर की है वहाँ टोटी लगा दी गई, पता चला कि वो नई टोटी लगाई है भाई, वही टंकी लगाई गई है। किस लिए लगाई गई? आपने पूछा उससे किस लिए? आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को, अब आप मेरे और कोई है जो बोल पा रहा है यहाँ पर? कहाँ से आया मुझसे सवाल पूछिए, मैं बोल तो रहा हूँ आप बता, आप
मामले को पता ही नहीं, परख ही नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं शमशान घाट में रहता हूँ। बनारस से काशी तो मैं घाट में रहता, हमें कोई मतलब नहीं है। शमशान घाट में रहते कोई मतलब नहीं है? देखिए इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्यों भाई, इंसान नहीं हो आप? हमें लेट नहीं लग रही, कोई काम करा रहे हो? किया किसने? अब भैया देता खाना पीना, सोचा हूँ कोई दिया पैसा आज तक नौकरी कर, सरकार दिया? किसी ने दिया? यहाँ तो भाई ब्राह्मण भारत छोड़ो, उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हनुमेला से, सेक्टर 53 गिजोड़ से। क्यों आप लोग रोक क्यों रहे? मैं पूछ रही हूँ ना उनसे, क्या क्या बोल रहे हैं बताइए। सेक्टर 54 से आया हूँ। जो कुछ खाना पीना भैया देते हैं, कोई हम भैया सरकार नहीं देते हैं, हमें गुड्डू भैया देते हैं। ब्राह्मण संघ देता है, बोलो ना, ब्राह्मण पूरे पंडित जी देते हैं हमारे। कितने आदमी पेट पालते हैं, भूखा मरता हूँ तो भी पानी पिलाते, रोटी खिलाते हैं। यहाँ पर बढ़ाई करने आए हैं कि अपने हक अधिकार की मांग करने? हम ऐसे आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है जी। कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ से आए हो? हाँ जी। मेरठ से यहाँ पर आ गए हो आप लोग? हाँ जी। क्यों? JNU में जैसा आप सबको पता है, JNU में जो ब्राह्मणों को और बनियों को बांटने की और हिंदुओं को बांटने की जो साजिश रची गई है, जो दीवारों पे लिखा गया है बनिए ब्राह्मण देश छोड़ो अदरवाइज देयर विल बी ब्लड, जो पूरी लाइन अदरवाइज देयर विल बी ब्लड, अगर उन्होंने देश नहीं छोड़ा तो खून खराबा होगा, ये बिल्कुल असहनीय है। कहाँ लिखा है कि खून खराबा होगा? वहाँ पे लिखा है अगर ब्राह्मण बनिए। देखा है जाके? मैंने देखा है जी। आपने भी? मैंने फोटो में देखा है ना अदरवाइज। फोटो मत देखिए, आप ओरिजिनल में गए? मैं ओरिजिनल में नहीं गया, पर जो खून खराबा जैसी बात लिखी है वहाँ पे, वहाँ लिखा अदरवाइज देयर विल बी खराबा होगा, उसका मतलब क्या हुआ? आप इसका आप मतलब ये कह रहे हैं कैमरा पे कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे खून खराबा होगा ऐसा लिखा होगा, आप इसका मतलब मुझे लग रहा है आप खून खराबा करवाना चाह रही हैं। मुझे लग रहा है आप करवाना चाह रही हैं, क्योंकि आप कह रहे हो। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप ऐसा कह रहे हो, आप लोगों को भड़काने का। मुझे लग रहा है आप खून खराबा करवाना चाह रही हैं। अदरवाइज देयर विल बी ब्लड, आप पूरा पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है देयर विल बी ब्लड अदरवाइज लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल असहनीय है। हम ये बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ जो ये क्या क्या नाम है आपका? एक मिनट, एक से बात तो कर ले पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक है। कहाँ से आए? हरियाणा से आया हूँ। लंच कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी क्या कह रहे थे, मैं उनसे पूछ रही हूँ। मेरी बात सुनो, अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का यूज किया, देश छोड़ जाओ, तो ब्राह्मण है ना आतंकित हो जाएगा। बता दी आप तो बात की तो हो जाएगा, और क्या करेगा? खून खराबे पे उतर आएंगे, खून खराबे वो मजबूरी में, और क्या करेगा आदमी? पुलिस है कार्रवाई करने के लिए, यहाँ पर जज है, करे कोई नहीं, अदालतें हैं। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो मैडम, अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो ब्राह्मण समाज क्यों खून खराबा करेगा? जी पुलिस कार्रवाई कर देगी तो नहीं करेगा ब्राह्मण, झगड़ा नहीं करेगा? मतलब आपकी हक में अगर बात करेगी तो ठीक है, नहीं तो आप खून खराबे पे उतरेंगे। कसूरवार को अगर आप सजा नहीं देगी, पुलिस कानून सरकार सजा नहीं देगी, और क्या करेगा? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना, उस पर भरोसा करना पड़ेगा ना। अभी तक तो कोई पकड़ा भी नहीं है। आपको भरोसा नहीं है न्यायपालिका ऊपर? पूरा पूरा भरोसा है मैडम। भरोसा नहीं है तभी आप कह रहे हैं खून खराबा करना पड़ेगा। ये तो चेतावनी है सरकार, उकसा रहे हैं समाज को भड़काने का काम कर। नहीं नहीं, ये तो एक चेतावनी है मैडम, समझ लो चेतावनी है। हाँ, सरकार के लिए चेतावनी है। आप तो यहाँ बैठकर बोल दे रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं देखेंगे, उससे ये जो युवा देखेंगे नौजवान, उनका तो खून गर्म होता है। आपने खून होता, आपने कहा कि ब्राह्मण है ना सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, ब्राह्मण ऐसा नहीं है, खून गर्म नहीं होगा, पहले देखेगा, इंतजार करेगा हमारे साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर खून खराबा करेगा। खून खराबा क्या, फिर हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे, संवैधानिक बोल रहे हैं भाई। अभी यहाँ पर ही जो आए हैं एक युवा से मैंने बात की तो बोल रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है खून खराबा, तो ये भी कह रहे हैं हम आतंकित हो जाएंगे। यहाँ कोई खून खराबा या खून खराबा? आपने अभी कहा, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है, आपने कहा कि मैंने बोला आतंकित हो जाएंगे। आतंकित का मतलब समझते हो? गुस्सा भर जाएगा हमारे में, रोष प्रदर्शन करेंगे, समझे? आतंकित वर्ड तो आतंकी वर्ड तो आप वैसे भी यूज किया जाता है ना, आतंकित आप समझो, मैंने समझो उसके, आप मैंने धमकी दी जा रही है और हम मतलब गुस्सा भी नहीं हो सकते हैं। हमको भारत छोड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है और हम लोग गुस्सा भी नहीं हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग गुस्सा भी नहीं प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तो गुस्सा करिए, लेकिन आपको भरोसा नहीं है क्या न्याय? किस पे न्याय पे भरोसा? इसीलिए तो यहाँ पे एकत्रित हुए सब लोग।
न्याय के लिए तो ये आवाज उठाई जा रही है। कार्रवाई तो चल रही है वहाँ पे। कहाँ कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई नहीं चल रही, इसीलिए तो सब इकट्ठे हुए। प्रदर्शन इसलिए कर रहे, ब्राह्मण भारत छोड़ो या फिर जेएनयू में ऐसा हुआ है, जेएनयू क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा गैंग बताया जाता है तथा कथित लोगों के द्वारा। जेएनयू में ऐसा होता है। और ये ब्राह्मणों के लिए और भी तो समाज रह रही है यहाँ पर, ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये बताइए, वहाँ जेएनयू में सब जगह सीसीटीवी लगा है, वहीं उसी जगह क्यों लिखा गया दीवार पर जहाँ सीसीटीवी नहीं? मैडम जी, इसीलिए तो यहाँ पर सब एकत्रित हुए कि जेएनयू क्यों ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। जेएनयू क्या पढ़ने ये पढ़ने की कॉलेज है कि या उपद्रवियों का आतंकियों का अड्डा है? यही इसीलिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहाँ से इतने अच्छे अच्छे लोग पढ़ के निकले हैं, हमारी वित्त मंत्री वहीं से पढ़ के निकली है, जेएनयू से। नहीं, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं कि एक परिवार में सारे भाई भी एक जैसे नहीं होते। वो कौन से लोग हैं जो मतलब इस तरीके से उन्हीं को तो पकड़ने के लिए एकत्रित हुए? अब आपकी मानसिकता ही अलग है। लगता कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वहाँ से निकलते हैं? नहीं, वो समय चला गया, हो सकता है कि अब कुछ ऐसी गतिविधियां पैदा हो रही हो, आप उत्पन्न की जा रही हो। वहीं से पद पे जो पदासीन है अधिकतर वहीं से निकले हैं। नहीं, वो हो सकता है कि वो जमाना चला गया, कुछ नया जमाना ऐसा आ रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ आ रहा हो कि सब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या और कास्ट नहीं है? अच्छा, आप ब्राह्मणों के लिए इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब दलितों के लिए मारने काटने की बात लिख दी जाती है, नारे लिख दिए जाते हैं भैया, तो उसके लिए दलित अपनी आवाज उठा। दलित तो ब्राह्मण, मतलब आप नहीं उठाएंगे? ब्राह्मण से भी ज्यादा पावरफुल है दलित, तो दलित सुनवाई सबसे पहले होती है। आप तो कह रहे हैं समान है, सबको लेके चलता है, तो आप नहीं उठाएंगे? हम तो सर्व समाज की, सब सनातनियों की हम तो आवाज उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा, सनातनी सबको लेके नहीं चलता क्या? नहीं, सबको लेके चल रहा है, हमको मना कर रहे हैं। लेकिन अब अरे, तो जब ब्राह्मणों की बात हुई तो ब्राह्मणों के लिए आप यानी खुद जातियों में बांट रहे हैं लोगों को? कौन बांट रहे हैं? आप लोग। हम लोग क्यों बांट रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई वो अपनी आवाज खुद उठाए दलित लोग। हम तो सब सनातनियों की आवाज उठा रहे हैं, और जब कोई दलित पे कोई ऐसे अत्याचार, अच्छा दलितों को, जो दलित हैं, आप लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं क्या? वो आपके दलित लोग हिंदू तो है ही, हिंदू है, आपकी नजर में हिंदू नहीं है? नहीं, दलित लोग आपकी नजर में हिंदू नहीं है? हिंदू है वो। नहीं, हिंदू नहीं है आपकी नजर में? मूल निवासी। नहीं, आप क्या समझती हो उन्हें? दलित मूल निवासी है वो। अरे तो और बाहर के आपकी नजर बाहर मूल निवासी हिंदू कहाँ से हो? नहीं नहीं, आप बाहरी हैं क्या? हिंदू, ये हिंदुस्तान हिंदू नहीं है यहाँ पे? नहीं, ये हिंदू जिनको अगर हिंदू बोला जाता है, क्यों कह रही है आप? आपकी नजर में दलित हिंदू नहीं है? हिंदू हिंदू कहाँ से हो गया? वो मूल निवासी है। नहीं, आपको कौन कहता है कि दलित हिंदू नहीं है? मूल निवासी है वो भाई, इतिहास पढ़ी है आप, तो वो हिंदू नहीं है? हिंदू कैसे हो गया? आप तो हिंदू बना रहे हैं, और जब वो हिंदू बनके अपनी बात रखता है तो आप लोग उसे दलित बना देते हैं। कौन बनाता है? ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनाते हैं। तो एक बात बताइए, मेघवाल को क्यों मार दिया गया? इंद्र मेघवाल को क्यों मार दिया गया पानी छूने पर, घड़ा छूने पर, एक ब्राह्मण द्वारा, जब सनातनी सबको लेके चलते हैं? नहीं, कोई ऐसी घटना हुई होगी, कौन कहता है? नहीं, नहीं, कौन कहता है कि मूछ रखने पर एक और मेघवाल को मारा गया था। ये सब अनर्गल, घोड़ी घोड़ी चढ़ने पर उसे मार दिया गया है। ये सब अनर्गल, नहीं, कितने ब्राह्मणों को अनर्गल बता रहे हैं? ब्राह्मणों को मारा जा रहा है अनर्गल, रोज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, रोज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। हाँ, नहीं, दलितों की बताइए एक केस। नहीं, दलितों की आपके पास पूरी हिस्ट्री है, और ब्राह्मणों के बारे में ये ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। आपने सुना कि ब्राह्मण को कहीं पीटा मारा जा रहा है बेरहमी से, ब्राह्मणों को उसके हाथ पैर बांध दिए, उसकी बेटियों के साथ कुछ हो रहा है ब्राह्मणों के बारे में? भारत छोड़ो हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, वो बेटी दलित परिवार से आती थी, तो फिर वो क्या ब्राह्मणों ने किया? नहीं, वो ब्राह्मणों की बात, आप तो ब्राह्मणों को टारगेट कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनको आप हिंदू बताते हैं। हाँ, आप दलितों की राजनीति ना करें, ये आप ये दलितों की नहीं कर रही। अच्छा, मुस्लिमों को, मुस्लिमों के लिए देश विरोधी जो बात की जाती है कि भारत छोड़ो पाकिस्तान जाओ, विशेष की बात नहीं, उसके लिए आपकी भावनाएं हाथ में। किसने बोला कि दलितों भारत छोड़ो? मुस्लिमों के लिए कि पाकिस्तान भेज दिए जाओगे, पाकिस्तान भेज दिए जाओगे? ब्राह्मण कभी नहीं कहते, ब्राह्मण सबको एक एक करके चलते हैं। ब्राह्मण कभी ब्राह्मणों ने वो लोग कौन है जो तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? कौन है जो दलितों को बोलते भारत छोड़ो, मुस्लिमों को बोलते भारत छोड़ो, पाकिस्तान भेज देंगे? कहाँ बोला? कहाँ बोला कि दलितों ब्राह्मण छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो? किसने बोला? आप ही बोल रही है, सारी दलितों की राजनीति कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे।
कितने नारे लिखे कहां और कहां ये कहां लिखे हुए इंद्र मेघवाल पे मैं आपसे पूछ रही हूं इंद्र में ये बताओ यहां पे ये ब्राह्मण मामला आपको पता है इंद्र मेघवाल का ब्राह्मण भारत छोड़ो इसके लिए हम लोग यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां इंद्र गुजराल और इंद्र विंद्र के लिए नहीं और यहां किसी और के लिए आप उन्हें हिंदू नहीं मानते हैं अरे आप नहीं मान रहे हम तो मान रहे हैं सब सनातनी हिंदू है अरे सभी सनातनी हिंदू आप अपनी बात में खुद फंस रहे हैं चलिए मैं फंस रहा हूँ आप सिर्फ यहाँ पे यहाँ सिर्फ आप सब दलितों की राजनीति करने आई है यहाँ राजनीति करने आए हैं सिर्फ आप यहाँ सिर्फ समाज यहाँ सब सिर्फ समाज सनातनी क्या नाम है आपका मेरा नाम राजेश शर्मा कहाँ से आए मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ परशुराम स्वाभिमान सेना का उत्तर प्रदेश से क्या बोल रहे हैं बोल दिया बस बोल दिया क्या बोल रहे हैं आप नहीं बोल पा रहे हैं नहीं क्या बोल नहीं पा रहे पूछो पूछो बीच में आप बोल रहे थे अभी बताइए ना अपनी बात गलत दलित दलित कर रही थी क्या यहाँ दलित नहीं कर रही मुस्लिम कर लूँ बोलो बोलो आप हिंदू भी तो बोल रही हूँ मैं यहाँ सर्व समाज आया हुआ है ओनली यहाँ दलित नहीं आया सर्व समाज सर कौन सा समाज आया है सारे ब्राह्मण बनिए ब्राह्मण आए हुए हैं दलित कहाँ है बात कर रहे हैं आप पूछिए दलित भी आए यहाँ सब आए हैं गुजर आए हैं जाट जाट आए हैं दलित है दलित 26 बिरादरी सब बिरादरी आए हैं यहाँ सनातनी नहीं आए हैं दलित को आप लोग हिंदू बोलते हैं ना हाँ जी बोलते हैं वो हिंदू है क्या हाँ जी वो मूल निवासी है हाँ हिंदू है वो हिंदू है क्या हाँ हिंदू है फिर उसको हिंदू क्यों नहीं मानते हैं आप लोग मैं क्यों नहीं मानते फिर उसके इंद्र मेघवाल को ही मार दिया जाता है अरे कौन पूछ रखने पे मार दिया जाता है सब मानते हैं यहाँ आप मानते हैं कैसे मरता रहे ये यहाँ अभी अरे भैया दो बहनें दलित परिवार से थी उनको गला काट के और लटका दिया फांसी पे तब आप नहीं बोलते गलत हुआ उनके साथ आपके साथ कुछ होता है तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती है तो नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी ऐसा तो नहीं है आप खबर कौन सी टीवी मीडिया देखते हैं आप लोग टीवी मीडिया वगैरह सब देखते हैं हम बोलिए आप टाइम मिल जाए आपको खबर पता नहीं चलती है नहीं तो कहीं होंगे नहीं देख पाएंगे ये खबर बोलिए अच्छा ब्राह्मण वाली खबर देख लीजिए न्यू वाली बनिए भी हैं सनातनी है ब्राह्मण नहीं है ओनली सब है सब छोड़िए बनिया छोड़िए बनिया छोड़िए ब्राह्मण छोड़िए जेएनयू वाली खबर देख ली आपने हां जेएनयू वाली खबर देख ली क्या आज से चल रही है खबर जेएनयू वाली फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह आपने दो उन लड़कियों का बताया हो ऐसे तो कई जाट लड़कियों के साथ भी हुआ है ब्राह्मण लड़कियों के साथ भी हुआ है क्यों नहीं आई खबर सबकी आई है अरे इतना बड़ा मैटर हुआ था नूपुर मीडिया तो दिखाई नहीं रहा मैम क्यों नहीं दिखाई इतना बड़ा मैटर हुआ था नूपुर शर्मा का हम तो जब भी कुछ इतना नहीं बोले नूपुर शर्मा को तो आप मैं वही तो कह रही हूँ कि जितने भी ब्राह्मण वाली जो है अंकिता हो अंकिता भंडारी हो चाहे नूपुर शर्मा हो उसके लिए आप आवाज उठा देते और बाकी सब कहाँ गए मैम किसने नहीं बाकी मामले कहाँ चले जाते मैम हम तो हर जगह खड़े हैं कहाँ खड़े होते हैं जहाँ आप खड़े मैम खड़े धरती पे खड़े रहे मैम क्या बात कर रही हो कहाँ पर खड़े रहते हैं मैम एक बात बताओ मैम एक मिनट मैम आपको कोई परेशान कर रहा है खड़े बताओ मुझे कोई परेशान कर ले वाली तो बात है मुझे कोई परेशान कर ले तो वही तो बात है मैम जब कोई परेशान करेंगे मुझे धमकी दे रहे हैं मैम धमकी नहीं दे रहा हूँ मैम मैम ये बात नॉर्मल सी है अगर कोई आप भारत माता की जय भारत माता की जय सवाल पूछ लो इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय तो कर ली है भारत माता की जय कर रहे हैं हां जी हां जी सनातन धर्म की हां जी लेकिन मेरे को अभी तक आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है मैम सवाल का पूछो मैम जवाब मैंने अभी उनसे भी पूछा वो कह रहे कि भाई मैंने कहा इंद्र मेघवाल का आपको मामला पता है मैम नहीं याद इंद्र मेघवाल नाम ही पहली बार सुन रहे हैं आपको इंद्र मेघवाल का मामला नहीं पता बात बताओ हम पहले अपना देखें औरों का देखें मतलब अपना देखते हैं सब आदमी पहले अपना देखता है यानी आप मानते हैं मैम एक बात बताओ सनातनी देख रहे हो सनातनी है हम लेकिन एक बात बताओ यहाँ दो लड़कियां खड़ी हो आप भी बैग लगा रखा किसी और ने भी लगा आपका बैग कोई चोर छीन के जाए तो पहले आप अपना पकड़ोगे नहीं मैं तो सनातनी दूसरे का पकड़ो मैम मेरा मतलब मैम नहीं देखना चाहिए क्या पहले अपने नहीं देखना पकड़ोगे आप ही लोग हैं ना यहाँ पे अगर चोरी होगा तो इल्जाम नहीं हो सकता नहीं हो सकता जब आप इतना अपना बैग का ध्यान रख रहे हो आप अपना इतना बैग का ध्यान रख रहे हो हम अपना इतना धमका भी ना ध्यान रखे तो पहले तो वही वाली बात हुई ना पहले सबको लेके जो आप बोलते हैं हम तो सबको लेके चलते हैं भाई किसी को हम आहत नहीं करते बच्चों में मैम देखो बच्चों में ना पायलट बनने का शौक था तो वहाँ एयरपोर्ट पे एक चीज गए पहले खुद का मास्क लगाएं
फिर बाद में देखो, हमने पहले खुद बिरादरी को देखेंगे। यानी आप मानते हैं कि अपना ही पहले देखते हैं? यस मैम, अपना ही पहले देखना चाहिए, तो बाकी समाज को लेके आप नहीं चलते हैं। मोदी जी तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी आप मोदी जी को नहीं मानते, उनके कदमों पे नहीं चलते। एक बात बताओ, रुक जाओ, किसने कहा मैं अपना नहीं मानते? आज किसका काम है? आज जो ये रोका गया जेएनयू में, जो ये चीज हुई है कि खून बहेगा, ब्राह्मणों को बोला गया? ये गुज्जर भाइयाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जाट ठाकुर क्या कर रहे हैं? ये यादव भाई ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं इन भाइयों के, चलो पंडितों को लौटो, आपकी भावना आहत हो जाती है मिनट में। और उनका क्या? मैं पहले जो उनका क्या, जो जिनकी भावना आहत हो जाती है, जो दलित है मुस्लिम है। हाँ, पूरा आंसर सुनो। अगर आप मेरा क्वेश्चन सुन रहे हैं, आप मेरा क्वेश्चन सुन रहे हैं, सवाल आपसे किया मैंने, आपसे किया मैंने, आपसे सवाल किया, छोरा पंडित, आपसे सवाल किया मैंने, नहीं किया ना मैंने आपसे सवाल। मैं आप मुझे बताएंगे कि मैं किससे सवाल करूं? आप मुझे बताएंगे। देखो मैम, आपके चैनल का नाम भी है जनहित आवाज, और हमारी भी है जनहित जारी। एक चीज है, हम 36 बरादरी के लिए खड़े हैं, ठीक है। हमारे लिए सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, ठीक है, और इससे पहला कोई धर्म नहीं है। कोई बिना मतलब अपने नए धर्म बनाए जाए तो वो अलग बात है। अच्छा, एक चीज है ना, जो ये आपने बोला, तो लड़कियों का वही हम मानते हैं, इन सारे भाइयों की लड़की नहीं, बहुत हुए हैं मामले, बहुत हुए हैं, नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने नहीं है, आप जानते ही नहीं। कुछ दिन पहले भी मेघवाल को ही नहीं जानते मैम, कुछ दिन पहले भी ये काम हुआ था, ठीक है, जब ये सड़के वड़के फूकी गई थी। मेरे नाम से क्या करना भाई? नाम मेरे नाम से क्या करना है? मतलब नाम और कपड़ों से आप पहचान करते हैं? नो मैम, पहले नाम तो बताइए आप अपना। मेरा नाम तो पता चल जाएगा, आप ही इस पे देख लीजिए, यानी आवाज देख लीजिए। मैं इस चैनल को जानते ही ना, पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार। आप तो आज तक देखते होंगे ना भाई? ना, कैसे पता चलेगा? हम जी न्यूज देखते हैं। हाँ, जी न्यूज देखते हैं, उसमें आप आते ही ना फिर जी न्यूज, उसमें तो सुधीर चौधरी देख रहे हैं। भाई मेरा चैनल सुधीर चौधरी देख रहे हैं हम तो। तो आप सुधीर चौधरी तो आज तक में चला गया भाई, आपको तो ये भी नहीं पता। देखिए ये है पढ़े लिखे, इन्हें यही नहीं पता है, बताइए जी न्यूज देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी मेरे भाई हैं, ये गुज्जर भाई हैं, ये जाधव भाई हैं, ये आए हैं ब्राह्मणों को सपोर्ट करने, और इनका फुल सपोर्ट है हमारे में। यार 36 बिरादरी हम यहाँ आए, और दूसरी बात, हम हमेशा सारे साथ एक रहते हैं, ठीक है। बाकी रही रहते हैं ना, मगर हाँ, सबको लेके नहीं चल रहे मैम। सबको लेके क्यों नहीं चल रहे? सबको लेके क्यों नहीं चल रहे? हो रहा है, कोई बोल रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कभी आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अपने ही लोगों के लिए। मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि सब अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। रुक जाओ, मैं देखो, मैम अपनी बात पर रहूंगा, अपनी बात पर रहूंगा। हम सबका साथ सबका विकास है, ये जो भाई ने बोला गलत है, वो सही है बिल्कुल। इसने जो लाइन बोली सबका साथ सबका विकास, हम कह रहे हैं ठीक है। बात ये है हमारी, सबसे पहले तो अपने देखा जाता है, सबसे पहले तो अपना देखा जाता है। मैं इस बात से वो नहीं कर रहा, मैंने मान लिया सब अपनी बिरादरी देखते हैं। मैं ये चीज कहता हूँ, सबसे पहले अपनी बिरादरी मजबूत करो, सबसे पहले को मेरा नाम पता पूछ लो इनसे। हाँ जी, सबसे पहले सबसे पहले मैं हर एक बिरादरी को ये बात कहूंगा, सबसे पहले अपनी देखो, फिर दूसरों के साथ खड़े रहो, सबसे पहले देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ मतलब ये बात हो गई। एक बात बताओ, ब्राह्मण को जो आलंछन लगते आए कि वो पहले अपना ही देखता है, आप उसको हमेशा से मतलब प्रूफ कर रहे हैं। मैम समझ रहा, टिप्पणी ब्राह्मण बात भी क्यों उठती है? प्रूफ कर रहे हैं आप? मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा उठती है, तुम कहीं भी उठा के जा रहा है, मुस्लिम पीटा जा रहा है। आप कह रहे मुस्लिमों की तो बात ही नहीं है, मुस्लिमों तो सब काम ही, मुस्लिम ही तो कर रहे हैं। बात कर रही, आप दलित पे भी नहीं आ रहे, दलित तो हमारे भाई है, मुस्लिम भी नहीं आ रहे। मतलब आपकी बात करूं, एक बात बताओ जो हमारे देश का आज तक रखा है। अच्छा, मुस्लिमों को जो भारत विरोधी ना जो बोला जाता है कि भैया पाकिस्तान भेज दिए जाओगे तो भारत छोड़ो, तो भेज दो, हम तो भारत छोड़ो, हम तो छोड़ो, तब नहीं भावना हाथ होती क्या? वो इंसान नहीं है, उसको छोड़ो, छुड़वाओ, क्यों क्यों? अच्छा, मैं वो क्या कर रहे हैं? देश के नागरिक नहीं है, आतंकवादी वो, पत्थरबाजी वो, देश टूट। एक मिनट, सारे मुस्लिम मुझे आतंकवादी, मुझे आपको एक भी हिंदू, सारे मुस्लिम आतंकवादी हो जाते हैं मेरे, एक भी नजर में क्या करते हैं? एक भी हिंदू क्या करते हैं? एक भी हिंदू ऐसा दिखा दो जो आज तक देश टुकड़े के नारे लगाए हो, कोई भी ऐसा कोई नारा लगाया हो, पूछ रही क्या? कोई भी आतंकवादी मुझे तुम ऐसा दिखा दो जो हिंदू, क्या करते हो? कोई नहीं, बता दो क्या करते। मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम, बीकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, पढ़े लिखे हो?
ये ज्ञान जो आप बगार रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है क्या? अरे जो जिसका भी नॉलेज है वो बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्म की, बात कर रहा हूँ धर्म की, बगार रहे हो क्या होता है? मैं बगार रहे हो क्या, पहले तो ये बताओ, मैं पता चल जाए। नहीं नहीं नहीं, मैम को बगार रहे हो क्या? मैम मुझे आप एक बात बताओ, आपको नहीं पता, आपने ऐसा कोई नेता देखा, आपने कोई हिंदू ऐसा देखा? तो पहली बात तो सुनो, प्रॉपर हिंदी पढ़ लीजिए, बगाड़ने का मतलब बताऊंगा। आपने ऐसा कोई आतंकवादी या ऐसा कोई पत्थरबाज देखा जो हिंदू आतंकवादी हो, हिंदू जो कर रहा हो, मुझे ये बता दो आप। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या सभी मुस्लिम लोग आतंकवादी हो जाते हैं? सारे मुस्लिमों की मैं नहीं कर रहा, मैं सारे मुस्लिमों की नहीं, तो मुस्लिम है ना, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक करता नाम सबका लिया जाता है, एक करता है, एक करता नाम सबका लिया जाता है, मेन कारण ये, एक कर रहा है ना, नाम सबका तो लिया जा रहा है। मैम मैं तो 12वीं पास होगा, आगे नहीं पढ़ाई कर रहे? मैम करूँगा, कर लिया एडमिशन, ले लिया बीए में। पढ़े लिखे होने के बाद आप क्या बोल रहे हैं अभी? मैम मैं कहना ये जा रहा हूँ कि सारे मुस्लिम आते हैं। उम्र क्या है आपकी? मैम मेरी 17 साल की अभी। 17 साल की उम्र है, आपको पता है ये सब क्या हो रहा है? हाँ मैम पूरा पता है। हाँ मैम पूरा पढ़ी है? मैम बिल्कुल पढ़ी है। इसलिए जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये सब क्या हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हो इस सब? बाबर का बेटा बताओ, बाबर मुस्लिमों को ज्यादा पढ़ाया? मैं पढ़ाया ही वही गया है, महाराणा प्रताप पढ़ाया ही नहीं, लेकिन मुस्लिम जरूर पढ़ाया हमें, कारण तो यही है ना, किसकी गलती है? पढ़ाया हमें, मुस्लिम ही है, किसने पढ़ाएंगे आपको? सरकार ने पढ़ाई है, सरकार पढ़ा, मास्टर ने पढ़ाया, तो कॉपी में जो पढ़ाएगी, जो बुक लिखी गई एनसीईआरटी से, आपने तो उस पे ही एक्शन उठा दिया, पूरा उंगली उठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल उठाया मैम, बिल्कुल उठा रहे हैं, सरकार पढ़ा रही है आपको? अरे मैम मैम उंगली उठा दी, सरकारी पब्लिश कर दिया, किसी को भी नहीं मानते। मैम ऐसा कोई इतिहास बता दोगे जिसमें देखो बाबर कौन था, मोदी जी का तो नाम ही हर बार मैम सरकार किसकी है? मैं कह रहा हूँ बुक कौन पब्लिश करती है, बुक कौन पब्लिश करती है, कौन करती है? मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी में पूरा आपने उंगली उठा दी भाई, उठा रहा हूँ मैं तो, सही में कह रहा हूँ, उठा रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मैम, जो बुक्स थी वही तो पढ़ाई जाएगी। मैम किसी बच्चे से पूछना महाराणा प्रताप के पापा का क्या नाम है, कोई नहीं बता पाएगा। अभी ये मेरे को बताइए, शिक्षा पे इतना कुछ हो रहा है, शिक्षा पे वार हो रहा है, इतनी महंगी शिक्षा हो रही है, मैडम ने एनसीईआरटी पढ़ी है कोटा में, ठीक है कोटा में, ठीक है कोटा पे आ गए आप लोग, कोटा पे आ गए आप लोग, यही तकलीफ है, यही मुझे कोई काबिलियत है इसीलिए पढ़ा है। काबिलियत है, आपने काबिलियत पाई है, हम मानते हैं इस चीज के लिए काबिलियत। आपको बताया मैंने कोटा से पढ़ी है? मैम आप कोटा से पढ़े? कोटा से नफरत है आपको? नहीं ऐसे क्यों, मैं क्यों बोला आपने कह रहा है कोटा में घूमने जा रहे हैं? मैंने इनसे कहा अगर मतलब ये जो भाई आराम से एक एक करके जवाब ले लेंगे आप। आपने कोई अच्छा काम करा समाज के लिए? अच्छी बिल्कुल किया, आपने एक अच्छी समाज सेवी भी रही है ना, आपने समाज सेवी भी रही, आपने एक अच्छी नींव रखी, और मैडम आपने सबको साथ लेके चला, अच्छा काम करा, और आपके साथ कोई आप बहुत कोई टिप्पणी कर दे और मैडम वो हमें भनक लग जाए कि हमारी मैडम ने हमारे लिए अच्छा काम करा, तो मैडम आपके लिए हमारा उतरना खरा है या नहीं, समझ रही हो आप? तो मैडम इंद्र मेघवाल का किसी को मालूम नहीं है यहाँ पे, आप में से एक को भी नहीं पता इंद्र मेघवाल मामला क्या? मैम इंद्र मेघवाल का मामला पता है? नहीं मैम नहीं पता, पता है ना, नहीं पता है ना, तो भाई कैसे बोल रहे हैं आप? मैम कैसे बोल रहे हो आप? मैम देखो आप क्वेश्चन से हमें, मैं बस सीधी बताऊं, आप हमें मुद्दे से भटका रहे हो, मुद्दे से भटका रहे हो मैम, आप रहो मुद्दे पे, हम यहाँ अगर मैं अच्छा सुनो, सुनो, सवाल सुनो, कर लिए तो मुद्दे से आपके आपके हिसाब से सवाल करने चाहिए मुझे। मैम हिसाब से नहीं, एक बात तो बताओ, हम चल रहे हैं इधर वाली रोड, आप कह रही हो उधर वाली रोड पे, पहले देखो जब जिस ट्रैक पे इस टाइम है हम यहाँ जेएनयू के लिए आए हैं, आप इस पे एक क्वेश्चन पूछो, आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप जहाँ सेंटर पे खड़े हैं आप सबको देखें? मैम पहले तो आप एक बात बताओ, मेरे साहब क्वेश्चन पूछो, बहस लड़ रहे हो, क्वेश्चन पूछो या बहस कर रहे हो? मैं पूछ रही हूँ और बहस भी कर रही हूँ। मैम बहस कर रहे हो आप मेरे एक, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपके हिसाब से मैं बहस कर रही हूँ? मैम आप एक भी मेरा आंसर पूरा होने दे रहे हो? बिल्कुल पूरा होने दे, पूरा टाइम दिया है आपको, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा जब आप वक्त दोगे तभी दो, आप पहले मेरे बोलने से पहले तो माइक अपनी तरफ ले जाते हो, बोलूंगा कैसे मैं? अरे भाई आपके ही संगी साथी लोग भी तो बोल रहे हैं, उनको मौका नहीं दे? नहीं मैम कौन सा नहीं मैंने कर रहा बताओ, अभी बीच में आए
अच्छा मैम एक बात बताइए, मैं एक बात बताऊं आपको, देखो रुके देखो, हम अब यहाँ हैं जे एन यू पे, ठीक है, मेरठ से हम आए हैं, इससे पहले भी कितने भाई आ चुके हैं यहाँ, 6 तारीख में भाई आए हमारे यहाँ, 9 तारीख में भाई आए, 9 तारीख में मैं भी आया था, हमें पुलिस ने भगा दिया गया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, न्याय न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए ना आपको, मैम एक बात बताऊं, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, मैम न्यायपालिका पे भरोसा रख रहे हैं, इसलिए ही हम चुपचाप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, हम मेरठ के हैं, हम वे हैं जो गेट तोड़ते हैं, हम तो टोल नहीं रोकते, ठीक है, हम सरकारी, हम सरकार को आश्वासन देना है, हम सरकार ने अभी तक आपने कहीं पर ज्ञान पत्र दिया है, ज्ञापन पत्र, हाँ जी मैम दे दिया हमने, यहाँ पे क्या कह रही है एसडीएम ऑफिस में, क्या कह रही है, हमने कार्रवाई मांगी है कि हमें जल्दी से जल्दी एक टाइम दिया जाए कि कितने दिनों में हमें ये चीज पता बता दे हमें कि कब तक हमारी ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, किसने ये लिखा, और हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये है, पहले मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए आप, कि सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि वहाँ पे कैमरे लगाए जाएं जेएनयू में, सबसे पहले सब जगह लगे हैं, जहाँ नहीं लगा हुआ था वहीं पर लिखा गया, मैम जब केजरीवाल ने रोड पर वो लगा दिए इतने कैमरे, इतने सीसीटीवी लगा दिए, अगर हम 100 से ऊपर हो हमारे चलान कट रहे हैं, ठीक है, तो जेएनयू में फर्ज नहीं बनता होता, जेएनयू में भी कैमरे हों, अगर आपके हिसाब से आप खुद बताओ अपना पर्सनल अपना पर्सनल भी बताना, अगर वहाँ कैमरे होते क्या ये ऐसी हरकतें होती, वहाँ कितनी बार हो छुआ है ना, वहाँ मारपीट भी हुई है, तब आप लोग आए थे क्या, मैम आए थे हम जिस टाइम स्वामी बाबा विवेकानंद की मूर्ति तोड़ी गई थी, सौरभ पंडित उस टाइम भी वहीं था, मूर्ति तोड़ी गई तब आप आए हैं, जब वहाँ पर छात्र पीटे गए, खून बहा वहाँ पर, मैम एक बात बताओ, खून बहा अभी भी इन्होंने लिखा है कि खून बहेगा, हम तो अब भी हैं, यूनिवर्सिटी पे अभी लास्ट टाइम पे हफ्ता भर पहले जो है एबीवीपी द्वारा मारपीट की गई छात्रों के लिए, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आगे आगे जवाहरलाल नेहरू के आगे क्या आता है, जवाहरलाल के आगे क्या आता है, आप ही बता दीजिए, मैम आगे आता है आपको ये नहीं पता क्या आता है, पंडित आता है ना, जब पंडित आता है यूनिवर्सिटी, हाँ जी अच्छा लगता है ना जब दूसरा नाम हमारा बोलता है, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी का आगे पंडित लिखा रहा है उससे हम मतलब कैसे कह दिया, कल को हम ये कहते किसी को कि अपने घर से निकालने मानते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी थे भाई, ज्ञानी थे, ज्ञान के भंडार होता है उनके पास, ठीक है, तो आप भैया उस यूनिवर्सिटी को टुकड़ा टुकड़ा गैंग बता दे, टुकड़ा टुकड़ा की परिभाषा क्या है, मैम वहाँ सारे तो 25-30% तो लड़के ही रिजर्वेशन पे हैं अभी, यहाँ जो पढ़ नहीं रहे, रिजर्वेशन से दिक्कत है, यस मैम दिक्कत है, आपको नहीं मिला 20% ईडब्ल्यूएस बताओ, मले वाली जब एक बात बताओ, घोड़े ईडब्ल्यूएस कोटा 20% आपको मिलना चाहिए था, वो मिला है, मैम हम नहीं किसी कोटे पढ़े, हम अपने में सक्षम है, हम तो कमाएंगे खाएंगे, ये सक्षम नहीं है इसलिए कोटा मिल रहा है, इसलिए खा रहे थे क्या मैम, ये इसलिए तो कह रहे हैं, हम तो अपने सक्षम है, ईडब्ल्यूएस जो कोटा मिला है आप मानते हैं कि वो ब्राह्मण भी सक्षम नहीं है इसलिए 20% कोटा मिला है, मैम वो इसलिए लिया, हमारे में भी कुछ लोग हैं जो सक्षम नहीं है, मैं कहता हूँ इनमें जो सक्षम है वो अपना हक नहीं उगा सकते, भाई हमें कोटा नहीं चाहिए, ये सारे क्यों ले रहे हैं, हम अपने में हम मानते हैं भाई, हम समर्थ हैं, हमारे में कुछ मेरे भाई है जो समर्थ नहीं है, उनके लिए हमने ईडब्ल्यूएस कोटा लिया, इनमें भी क्या सारे एससी सारे जो भी जितने भी कास्ट हैं मतलब कोई भी समर्थ नहीं है, अब हमारे यहाँ आए हमारे यहाँ इंस्पेक्टर हैं बहुत बड़े अच्छे खासे पैसा है उनपे, एससी है वो कोटे से पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, आज ऐसा क्यों उनपे, जब पैसा आ गया इससे तकलीफ हो गई उनपे, हमारे से ज्यादा भाई, अभी अभी आपने क्या 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 है, वो पुलिस में है शायद, मैं वहाँ पुलिस में ही हूँ, तो उन्होंने अपनी कामयाबी से वो हासिल किया ना पद, तो आपको उससे तकलीफ हो रही है, मैम मुझे पैसा आ गया है, मैम पुलिस से नहीं हुए, मेरा मानना है जब उनपे पैसा है ठीक है, वो एक अच्छी जॉब में है, उन लोगों को तो रिजर्वेशन बंद होना चाहिए ना, जो एक कामयाब हो चुके, ये किस आपके हिसाब से उनका रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए, जो सक्षम है, अच्छा देखो मैं एससी तो सक्षम तो पंडित भी है, ईडब्ल्यूएस 20% क्यों मिल गया, मैम किसने कहा, आओ मेरठ में कितने ऐसे में काम, आप है तो सक्षम नहीं है, वो है तो सक्षम है, हमने बोला हर बंदा सक्षम नहीं है, अब हम मैम मैंने बोला मैं अपने बंदे बात बोलूंगा, हम दो भाई पंडित अगर खड़े हैं तो एक पंडित सक्षम है एक पंडित नहीं है, ये बात कह रहा हूँ मैं, ये बताइए आप क्या कुछ करेंगे यहाँ पर, अभी पुलिस पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना आपको, मैम रख रखा है जब तो चुपचाप यहाँ खड़े हैं आपको माइक पे बोल रहे हैं, वरना हाथों में तलवार होती या फरसे होते, मतलब आप सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं, तलवार और फरसे चला देंगे, जी मैम खुली दे रहा हूँ, सौरभ पंडित खुली दे रहा हूँ, मतलब आप लोग जो है मतलब इसी तरीके की मतलब भावना को आहत कर रहे हैं, जब तक और लोगों को भड़काने का काम, जब तक अहिंसा से काम हो भड़का रहे हैं, जब तक अहिंसा से काम हो वीडियो इतने लोग देखेंगे, आप लोगों को भड़का रहे हैं, मैं प्योर मीडिया में बोल रहा हूँ ठीक है, जब तक हमारे प्यार से काम हो रहे हैं हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं,
आज हाथ जोड़ के आए हम, ठीक है। अगर नहीं हुआ सबकी चलेंगी, मारकाट बजेंगी, कश्मीर में नहीं बनाना, में दूसरे हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने गलती करी है, अगर उस टाइम हम होते, आज हम कह रहे हैं कोई करके दिखा कश्मीर में कुछ तो बात रही, हम कश्मीर भी कहते हैं। आप बोले ना कश्मीर में कुछ दिन पहले जब हुआ था, मैं कश्मीर भी कहते हैं। बात बताइए, हिंसा करके ही क्या न्याय मिलता है? अहिंसा करके मिल गया, अहिंसा के रास्ते पे न्याय नहीं मिलता है, भरोसा नहीं रख पा रहे हैं आप। मैम इतने दिन हो लिए, मिल गया इतना दिन, मतलब आप चाहते हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक पे चला जाए आपका मैं काम करो, मेरठ में करवा के देखो आपको, आपको, आपको मेरठ में ऐसा कोई काम मेरठ में पूरे यूपी में करवा के देखो। इतने केस होते हैं, क्या वो फास्ट ट्रैक में जाते हैं क्या? हाँ जी मैम, इतने मैटर होते हैं, इतने केस होते हैं, वो फास्ट ट्रैक में नहीं जाते, तो आप चाहते हैं कि आपका मैटर फटाफट फास्ट ट्रैक में चला जाए? बस मैम होना चाहिए, मैम मेरा नहीं ये समझ बिरादरी का, हम 36 बिरादरी यहाँ पे है। हाँ जी, ऐसा मसला हो गया है कि आपका फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। वहाँ पे लाइन ये नहीं लिखी ब्राह्मण होगा, वहाँ ये भी लिखा है खून बहेगा, ठीक है। खून आपने देखा है कभी सामने? जब खून बहेगा ऐसा लिखा हुआ आप बता रहे हैं? लिखा है वहाँ खून बहेगा, जाके देखा है जेएनयू में? हाँ जी मैम, बात पोस्टर वो लिए हमने दोस्तों से, जो हमारे जेएनयू में पढ़ते हैं हमने उनसे देखा है, वहाँ है ऐसे ऐसे पोस्टर वो लग रहे हैं जो दीवारों पे छपा है, दीवारों पे लग रहा है। एडिट भी तो होता है आजकल, इतने 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 ऐप आ गए, एडिट भी तो होता है भाई। मैम किसने कह दिया एडिट हो गया? हमने हम पे प्रूफ है, हमने लाइव वीडियो में देखा है, हमने जाके देखा है। जेएनयू में हमारे पंडित भाई हैं जिन्होंने हमें दिखाया है। अच्छा। ऐसे नहीं हम मुद्दे पे बोल दे, आज इतने लोग पागल नहीं है जो इतने आ गए सब घर से काम। जिसने लिखा है, जिसने वो बेवकूफी की खून बहेगा, तो आप लोग भी वही काम करेंगे? मैम हमने जब तक करे हैं, हम जब तक कर रहे हैं, हम अहिंसा से प्यार से हम जब तक बात कर रहे हैं, जब तक हमारा सोल्यूशन निकल रहा, हम तो खुद चाहते हैं प्यार से काम हो जाए। मतलब मारे मार काट। मैम सेकंड ऑप्शन कौन नहीं लेता, अपने आत्मरक्षा के लिए कौन नहीं हाथ हथियार उठाता? पहले हम प्यार से बोल रहे हैं, इस बार हम धरना भीड़ लेके आए हैं, वो अगली बार की अगली बार देखे जाए। आप हमारे साथ उम्मीद करो कि ऐसा यही सोल्यूशन हो जाए। तो ये तमाम लोग जो है मेरठ से आए हैं, कोई नोएडा से आए हैं, तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, और यहाँ पर जो इनका विरोध प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है कि जेएनयू में जो नारे लिखे गए हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो ये उसके लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि न्यायपालिका भी है और जजेस भी हैं, पुलिस भी है, उस पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है तमाम लोग, जो तमाम युवा हैं, वो इतने आक्रोश में है, क्या ये आक्रोश इन युवाओं का कहीं और लेके जा सकता है लोगों को? आप सोच रही है कि जो लोग बोल रहे हैं फरसे और तलवार लेकर निकल जाएंगे, तो ये गर्म खून जो है, क्या इस गर्म खून को ऐसी पीढ़ी को जो कुछ कर सकती है, कर गुजर सकती है, ऐसे पदों पर पदासीन हो सकती है, वो पीढ़ी यहाँ पर आके इस तरीके के बयान दे रही है? आखिर ये देश किस तरीके के गर्त में जा रहा है, बहुत सोचने वाली बात है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।